अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान अहमद है। दरअसल ये शुरू ऐसे हुआ था कि आज से तकरीबन 5 साल पहले सिस्टर मेरी को नाफ का मसला बना था। इन्होंने कुछ वज़न उठाया था तो उससे नाफ का प्रॉब्लम हुआ था। तो उसके बाद हम लोकल जो डॉक्टर हैं, मतलब हमारे शहर के नज़दीक जो छोटे डॉक्टर हैं उनके पास गए, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने मतलब बड़े हॉस्पिटल में गए गुजरात, तो उसके उधर भी उन्होंने बोला कि ये तो आपको कोर्स की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसमें इस प्रोसेस में मतलब हम 3 महीने की मेडिसिन ली, फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे के बे, तो इसी तरह इसी प्रोसेस में गुजरात के तकरीबन हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। तो तकरीबन 5 साल गुजर गए इसी प्रोसेस में, मतलब तकलीफ़ में उन्होंने गुजारे हैं। उसके बाद फिर हमने मतलब ये फैसला किया कि हम लाहौर जाते हैं, उधर किसी अच्छे डॉक्टर से बातचीत करते हैं, शायद कोई इसका हल मिल जाए। तो फिर हम लाहौर आए हैं, लाहौर में हमने किसी बड़े हॉस्पिटल से मतलब चेकअप करवाया, तो उन्होंने बोला कि इसका आखिरी ऑप्शन जो है वो ऑपरेट होगा। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ना इसका ऑपरेटर बताया कि ये बहुत इसका पर खर्चा आएगा, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे वो वैसे ही बंद थे कोरोना की वजह से, तो प्राइवेट का मतलब ऑप्शन हमारे पास था, लेकिन वो बहुत महंगा था। तो उसके बाद हमने थोड़ा सर्च किया वेबसाइट पर, तो हमें एक अदारा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हैंड मिला। तो हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की। तो उन्होंने अपनी तस्दीक के बाद हमें टाइम टेबल दिया कि आप इस तारीख को लाहौर पहुँच जाएँ तो आपका इंशाल्लाह हम जो है ना अपडेट करा देंगे। तो हम 14 तारीख इधर आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि कल जो है 15 तारीख को हमारा कामयाब जो है ऑपरेट हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है, अब जो है ना वो बिल्कुल इत्मीनान में हम के बहुत अच्छी उन्होंने केयर की, डॉक्टर्स ने अच्छी मेडिसिन दी है, कोई हमारा इधर खर्चा नहीं हुआ, बिल्कुल फ्री इलाज हुआ है हमारा। तो हम शुक्रगुजार हैं ट्रांसपेरेंट हैंड के कि उन्होंने हमारी इतनी मतलब अच्छे तरीके से जो है ना हमारी इस मुश्किल को आसानी में बदला है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी।